वेलकम टू माई चैनल एजुकेशनल स्कॉलर। मैं डॉक्टर सुभिया एक नई वीडियो के साथ आपके सामने। लास्ट वीडियो में हमने ग्लाइकोलाइसिस के बारे में पढ़ा था, आज हम सेकेंड रिएक्शन ग्लूकोनियोजेनेसिस के बारे में पढ़ेंगे, विच इज़ ए कम्बिनेशन ऑफ थ्री वर्ड्स, ग्लूको नियो एंड जेनेसिस। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, नियो मीन्स नियो, जेनेसिस मीन फॉर्मेशन। सो इट इज़ ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ glucose molecule from new sources, or you can say formation of glucose using new sources, for example non-carbohydrate sources, which help in the formation of a glucose. Glucose already know that is the main source of energy in the body, which helps in the starting of different metabolic pathways. But when fasting or during starving condition, the body maintains glucose level by using the process of gluconeogenesis. In this process, glucose is made by using different sources, for example amino acids, lactate and glycerol. Glycolysis and gluconeogenesis ek dusre se opposite steps hain, theek hai? Glycolysis isme breakdown of glucose, mean glucose jo hai wo aapka pyruvate ke andar convert hota hai, जबकि इन द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस जो है पाइरवेट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज के अंदर। सेवरल फीचर्स हैं कि ये दोनों जो ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस है, दोनों प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। बॉडी में डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी ग्लूकोज की फॉर्म में प्रेजेंट होता है, बट जब एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज प्रेजेंट हो तो वो अपनी नेक्स्ट फॉर्म इन ग्लाइकोजन, जिसे हम इनएक्टिव फॉर्म ऑफ द ग्लूकोज का नाम देते हैं, उसमें कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाती है। सो मच ऑफ द ग्लूकोज डैट इज इनकॉर्पोरेटेड इनटू ग्लाइकोजन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पाइरवेट एंड ऑक्सैलोएसिटेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस। व्हेन यू आर गोइंग थ्रू फास्टिंग कंडीशन और स्टार्विंग कंडीशन, और आप कह सकते हो कि काफ़ी टाइम के लिए कोई एनर्जी सोर्स आपको नहीं मिला, उस वक्त बॉडी क्या करती है कि ग्लाइकोजन को यूटिलाइज करना स्टार्ट करती है। डॉटेड लाइन शोज़ विच गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज 6-फॉस्फेट, एंड देन लेटर ऑन पाथवे, मेटाबॉलिक पाथवे जो है इसे एक पाइरवेट में कन्वर्ट होने में हेल्प करता है। ग्लूकोनियोजेनेसिस इसलिए भी ज़रूरी है कि देखो, जब आपके पास ग्लूकोज और ग्लाइकोजन एज एनर्जी सोर्सेज डिप्लीट हो जाएं, तब आपको अदर यूज़ ऑफ एनर्जी सोर्सेज यूज़ करना पड़ते हैं, जिनमें से ग्लूकोनियोजेनेसिस प्रोसेस जो है वो इस प्रोसेस में हेल्प करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप रात को सोए हो, सुबह उठे हो, 9 to 12 आवर्स का आपका टाइम आ गया जिसमें कोई एनर्जी सोर्स आपका नहीं है, ग्लूकोज भी डिप्लीट हो चुका है, ग्लाइकोजन रिजर्व्स भी एंड हो चुके हैं, देन बॉडी जो है डिफरेंट नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्सेज या डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए ग्लाइकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के अंदर एंटर हो सकती है। करंट में यहाँ पे स्लाइड में आपको ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों का कंपेरिजन शो कर दिया गया है। लेफ़्ट साइड जो है वो आपको ग्लाइकोलाइसिस शो कर रही है, जिसमें ग्लूकोज जो है 10-स्टेप रिएक्शन के बाद पाइरवेट के अंदर कन्वर्ट होता है, 1 molecule ऑफ ग्लूकोज एंड 2 molecules ऑफ पाइरवेट। वाइल राइट साइड पे आपको ग्लूकोनियोजेनेसिस ब्लू कलर में शो कर दी गई है, पाइरवेट जो है थ्रू 11-स्टेप रिएक्शन जो है ग्लूकोज के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। देर इज़ एन एडिशनल प्रोडक्ट मीन्स ऑक्सैलोएसिटेट जो है पाइरवेट, फर्स्ट ऑफ ऑल ऑक्सैलोएसिटेट के अंदर कन्वर्ट होगा, और उसके बाद लेटर ऑन ये फॉस्फोइनोल के पाइरवेट के अंदर कन्वर्ट होगा। इसके अलावा कुछ जगहों पे एंजाइम्स के डिफरेंसेस भी आएंगे, जैसे पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरवेट कार्बोक्सीकाइनेज एंड ग्लूकोज 6-फॉस्फेट से, ठीक है। कमिंग में हम देखते हैं कि किन स्टेप्स पे जो ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस एक दूसरे से डिफरेंशिएट हो रहे हैं। सो ग्लूकोनियोजेनेसिस इज शोन ओवर हियर। ग्लाइकोलाइसिस में आपने देखा था एरोज डाउन की तरफ थे, ग्लूकोज जो है कन्वर्ट हो रहा था पाइरवेट के अंदर, बट इस दफ़ा एरोज जो है अपवर्ड है, मींस स्टार्टिंग फ्रॉम पाइरवेट मूविंग थ्रू ऑल दी स्टेप्स दे आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज। जो आपके स्केयर बॉक्सेस हैं वो आपको शो कर रहे हैं कि डिफरेंसेस को शो कर रहे हैं जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस और ग्लाइकोलाइसिस में शो हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल, पाइरवेट जो है इसमें एक एक्स्ट्रा कंपाउंड बनाता है ऑक्सैलोएसिटेट, इट्स ए 11-स्टेप रिएक्शन। यहाँ पे एंजाइम पाइरवेट कार्बोक्सिलेज, फॉस्फोइनोल पाइरवेट कार्बोक्सीकाइनेज, इसके अलावा जब फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट जो है ग्लूकोनियोजेनेसिस में कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6-फॉस्फेट में, यहाँ पे भी एंजाइम चेंज होगा, इट विल बी फ्रक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेटेज। एंड लास्ट स्टेप, जब आपका ग्लूकोज 6-फॉस्फेट ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, इट विल बी यूज ग्लूकोज 6-फॉस्फेटेज। कमिंग स्लाइड्स में हम 1 by 1 वो डिफरेंसेस देखते हैं जो कि ग्लाइकोलाइसिस और ग्लूकोनियोजेनेसिस को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं।
फर्स्ट ऑफ ऑल इन द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आपने देखा था कि ग्लूकोज जो है वो कन्वर्ट हुआ था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट के अंदर फॉस्फेट की एडिशन हुई थी इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम हेक्सोकाइनेज जिसे आप ग्लूकोकाइनेज का भी नाम दे देते हो बाइल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस ग्लूकोज 6 फॉस्फेट जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज. सेकेंड डिफरेंस इन प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस आपका फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट जो है वो कन्वर्ट हुआ था फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट में बट इन द प्रोसेस ऑफ द ग्लूकोनियोजेनेसिस क्या होगा इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेटेज आपका फ्रुक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट जो है वो फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. थर्ड पायरवेट जो है ये ऑक्सैलो एसिटेट की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम पायरवेट कार्बोक्सीलेज इज द एडिशन स्टेप विच अकर्स ओनली ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस एंड द फोर्थ वन ऑक्सैलो एसिटेट जो है फिर लेटर ऑन कन्वर्ट होगा फॉस्फोइनोल पायरवेट के अंदर इन द प्रेजेंस ऑफ एंजाइम फॉस्फोइनोल पायरवेट कार्बोक्सीकाइनेज. सो यू कैन से ऑक्सैलो एसिटेट जो है वो एक एक्स्ट्रा कंपाउंड है ठीक है जो कि ग्लूकोनियोजेनेसिस के प्रोसेस के दौरान ही बनता है. ग्लाइकोलाइसिस एंड ग्लूकोनियोजेनेसिस दोनों एक दूसरे से ऑपोजिट स्टेप्स हैं और एट अ टाइम एक ही स्टेप प्रोसेस कैरी आउट होगा. इफ़ देयर विल बी इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस देन स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी एट अ टाइम एक प्रोसेस होगा आइदर ग्लूकोज गेट कन्वर्टेड इनटू पायरवेट बाय ग्लाइकोलाइसिस और पायरवेट गेट कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज बाय द प्रोसेस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. मेन कंट्रोल इन द लिवर सेल्स बिकॉज मेन सिंथेसिस यहाँ पे टेक करती है और इसके अलावा जब ब्लड ग्लूकोज का लेवल ऊपर नीचे होगा हार्मोनल लेवल चेंज होने से भी यहाँ पे चेंजेस हो जाती हैं और जब इनहिबिशन ऑफ ग्लाइकोलाइसिस होगी स्टिमुलेशन ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस यानी ग्लूकोज की फॉर्मेशन होना शुरू हो जाएगी देन दैट ग्लूकोज विल बी अवेलेबल टू रिलीज टू द ब्लड एंड टू यूज बाय अदर्स. ओवरऑल अगर हम इन दोनों के दरमियान में डिफरेंसेस देखें ग्लाइकोलाइसिस इट इज़ द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज इनटू पायरवेट वाइल ग्लूकोजेनेसिस इट इज पायरवेट से आप वापस ग्लूकोज की तरफ मूव करते हो. ग्लाइकोलाइसिस टेक्स प्लेस इन द लिवर एंड मसल्स वाइल ग्लाइकोनियोजेनेसिस जो हैं ये लिवर एंड किडनीज. ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म वाइल फर्स्ट थ्री रिएक्शंस ऑफ ग्लाइकोजेनोलाइसिस अकर्स इन द माइटोकॉन्ड्रिया एंड रेस्ट इन द साइटोसोल. ग्लाइकोजेनेसिस है टू स्टेप्स. ग्लाइकोलाइसिस को ही ग्लाइकोजेनेसिस का नाम दे दिया गया है. टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं एरियोबिक एंड एनएरियोबिक और जबकि एरियोबिक जिसमें वो लैक्टेट और आपको फर्मेंटेशन में हेल्प करता है जबकि ठीक है एनएरियोबिक और एरियोबिक जब आपको वो क्रेब्स साइकिल के अंदर एंटर हो जाता है ठीक है. वाइल ग्लूकोनियोजेनेसिस की ऐसी कोई सब टाइप नहीं है. एटीपीज जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं ग्लाइकोलाइसिस वाइल नो एटीपीज इन केस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस. थ्री रेट लिमिटिंग स्टेप इन केस ऑफ ग्लाइकोलाइसिस वाइल फोर रेट लिमिटिंग स्टेप्स इन केस ऑफ ग्लूकोनियोजेनेसिस वही फोर एंजाइम्स जो कि इन दोनों को एक दूसरे से डिफरेंशिएट कर रहे हैं. सो डैट वॉज ऑल अबाउट द ग्लूकोनियोजेनेसिस. होप यू लाइक इट. इफ़ यू लाइक इट देन यू कैन शेयर इट एंड सब्सक्राइब माई चैनल ठीक है. नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए लेक्चर के साथ. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़.